सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सर्दियों के मौसम में कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं, ऐसे में और सावधान होकर काम करने की आवश्यकता है। शादियों और सोशल गैदरिंग पर जहां खुला मैदान है वहां किसी तरह की पाबंदी नहीं है, वहां केवल सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है। लेकिन जहां इंडोर शादियां हो रही हैं 6 से 8 घंटे जहां लोग भीड़ में रह रहे हैं वहां से संक्रमण काफी ज्यादा निकल रहा है। नगरोटा बागमा दौरे पर आए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना से बचाव का सावधानी ही एकमात्र रास्ता है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते विचार किया जा रहा है कि सामाजिक दूरी के जो नियम हैं उन्हें और सख्त किया जाए। लाहौल में एक गांव के सभी लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, वहां सर्दी के चलते पूरा परिवार बंद कमरे में बैठता है। एक व्यक्ति संक्रमित होता है और अन्य लोग भी कमरे में हो तो संक्रमण की संभावना और अधिक बढ़ जाती है, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन नहीं बल्कि और सख्ती करने पर सरकार विचार कर रही है। आगामी समय में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। यदि इसमें दिक्कत आती है तो कार्यक्रमों को थोड़ा प्रतिबंधित कर देंगे। सीएम ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर जो भी सहयोग प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाना है वो प्रदेश सरकार दे रही है। कुछ टेक्निकल इशू और कुछ कंफ्यूजन को लेकर कुछ बातें आई हैं, चाहे केंद्र में है या प्रदेश में, मुझे लगता है कि उन्हें विराम देना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में आज एक साथ एक जगह 39 शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए और जिसमें 231 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है वो समर्पित हुई शुरू हो रही, और ऐसे में मैं स्थानीय विधायक को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ये प्राथमिकता है कि हर क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी सहयोग उस रूप में दिया जा सकता है वो देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ इस क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हुए बहुत बड़ी संख्या में, और उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले समय में भी जो भी हमारी ओर से सहयोग हो सकता है उस रूप करेंगे। जी देखिए, हमने इस सारी चीज़ को लेकर के यही कहा है, बार बार कहा है कि आने वाले समय में हमको ऐसा लग रहा है कि सर्दी के मौसम में ये मामले और बढ़ सकते हैं और इसलिए और ज़्यादा सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। शादियों पर और दो सोशल गैदरिंग में जहाँ खुला ग्राउंड है, मैदान है, वहाँ तो हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, वहाँ हमने एक ही बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए। लेकिन जो इनडोर जो शादियाँ 6-6 घंटे 8-8 घंटे हम हॉल के अंदर जहाँ बड़ी भीड़ में ये कर रहे हैं, संक्रमण वहाँ से काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। और उसके साथ साथ में मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि सावधानी एकमात्र रास्ता है और सावधानी के साथ काम करें और इस कोरोना को रोकने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। सर, यही सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार एक तरफ शादी समारोह में 100 लोगों की गिनती गिनती है लेकिन अपनी ही रैलियों में हजारों की संख्या। देखो, मैं इस बात को लेकर के कहा कि 100 लोगों की इंडोर के लिए हमने बड़ा स्पेसिफिक किया उसको, जहाँ जहाँ खुला मैदान है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जहाँ बैठा जा सकता है, कार्यक्रम किया जा सकता है, वहाँ शादियों पर भी हमने इस तरह के खुले में नहीं, हमने 100 नंबर 100 नंबर जो है जो हॉल के अंदर उस भीड़ को कम करें। लेकिन मेरा इतना जरूर है कि आने वाले समय में हम भी इस बात पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सारी चीज़ में भी हम थोड़ा सा ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का और नॉर्म्स को सख्त करें। उसमें सबसे बड़ी वजह देखिए, मैं आपता हूँ कि वो तभी मैं कह रहा हूँ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सारा परिवार एक घर के अंदर कमरे के अंदर बैठता है क्योंकि सर्दी है, और सर्दी के कारण जो है सारा वेंटिलेशन का सारा वो जो बंद होते हैं, खिड़कियां बंद होती है, करनी पड़ती है, व्यवस्था है वहाँ की, ज़रूरत है वहाँ की। और जब एक आदमी संक्रमित होता है लंबे समय तक एक साथ वो बाकी लोगों के साथ कमरे के अंदर रहते हैं तो संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है। ये सर्दी का मौसम जब हम वेंटिलेशन के लिए खिड़की बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन के लिए हम एग्जॉस्ट फैन बंद कर देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब हम अंदर हीटर लगा करके बैठेंगे और कोई भी आदमी संक्रमित होगा उसमें संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलने की आवश्यकता संभावना रहेगी।
तो ये चिंता का विषय है। लॉकडाउन पे कुछ सरकार गंभीर है, कुछ चर्चा देखिए लॉकडाउन का नहीं लेकिन और सख्ती करने का विचार कर रहे हैं हम, हो सकता है कुछ आने वाले समय सार्वजनिक मंच पे कार्यक्रम यहाँ पर जिस तरह हो रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलत संदेश जो है। देखिए मैं इसमें अभी भी हम इसी बात को कह रहे हैं कि हम इस बात पर सोच रहे हैं कि अब जो कार्यक्रम आने वाले समय में जो भी किए जाए एंश्योर किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग, एक बात। अगर सोशल डिस्टेंसिंग एंश्योर करने के साथ में कुछ में कठिनाई आएगी तो हम कार्यक्रमों को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने की। सर सीयू का दोहरे मापदंड वाले बयान होशियार सिंह जो देहरा के विधायक दे रहे हैं, वो एक तरफ मुख्यमंत्री से नजदीकियां भी गिना रहे हैं और बयानबाजी से ही बाज नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मैं इस सारे दौर से बिल्कुल बाहर निकलना चाहता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश का एक प्रेस्टिजियस एक डेवलपमेंट का हमारा एक यूनिट है। ऐसी परिस्थिति में हमारी कोशिश ये है कि इसके लिए जो भी सहयोग प्रदेश सरकार की ओर से दिया जा सके वो हम दे रहे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज को लेकर के, कुछ कंफ्यूजन को लेकर के कुछ बातें आई हैं, मैं समझता हूँ कि उनको विराम देना चाहिए, चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, हमको मिल करके इस यूनिवर्सिटी को वहाँ पर ज़मीन पर खड़ा करना है ताकि लोगों की हम ठीक प्रकार से आकांक्षाओं और उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकें। सर एक आखिरी सवाल, जब जैसे जैसे इस तरह के शिलान्यास होते हैं क्या सरकार जनता को ये भी बताने के लिए बाध्य होगी कि इतने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा या घोषणाएं होती रहेंगी? बताया होता सारी चीज़ को लेकर वहाँ। देखिए मैं सिर्फ उस बारे में ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहता हूँ, 34 हेक्टेयर ज़मीन ऑलरेडी वहाँ पर उपलब्ध है। अगर भवन निर्माण के काम को अगर वहाँ पर करने की अगर इस तरह से बातें जो आती हैं तो मुझे लगता है कि 34 हेक्टेयर ज़मीन का जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से दी गई है जिसमें पोजेशन भी डिपार्टमेंट का हो चुका है और किसी प्रकार की कठिनाई, वहाँ पर तो काम शुरू किया जा सकता है। चाहे भले ही उसमें 2 ब्लॉक बने 3 ब्लॉक बने लेकिन शुरुआत तो हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वो 2010-11 की ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध है और उसके बाद जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस भी अब इसकी हो गई है, फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के साथ साथ में जो हमारा दूसरा पोर्शन है उसमें उसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, उनमें डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा। उस सारी चीज़ों की डिटेल जो है रेवेन्यू के रिकॉर्ड में उनको हम करने की कोशिश करेंगे, उसकी डिटेल मिल जाएंगी आपको।